हेलो फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई थी कल। जैसे ही रात में मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया, तो ओपन करते ही सबसे पहले उन्हीं ही की न्यूज़ थी। मस्ताना अम्मा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो बहुत फेमस थे, हर कोई उन्हें जानता है। और यूट्यूब पे तो बहुत ही उनकी फैंस फॉलोइंग थी। वो बिल्कुल ऐसे लगता था उनको देख के कि वो हमारे खुद के ही ग्रैनी है। तो उनको देख के मुझे भी अपनी दादी की मैं उनको दादी की तरह ही इमेजिन करती थी, क्योंकि वो इतनी ओल्ड थे, इतने ओल्ड थे कि 107 ईयर्स के होते हुए भी वो इतनी क्वांटिटी में कुकिंग कर लेते थे। तो इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर स्टेमिना था कि इतनी सारी कुकिंग वो कैसे करते थे। तो उनको देख के बहुत खुशी होती थी। और उनका जब भी मैं वीडियो ऑन करती थी, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो हमेशा स्माइल करते थे, हमेशा हंसते हुए उन्होंने वीडियो बनाया था। तो बहुत मतलब अच्छा लगता था। मैं तो जब भी मुझे कुकिंग का वीडियो देखना होता था, तो मैं हमेशा मस्ताना अम्मा ग्रैनी का वीडियो देखती थी। उनको देख के बहुत खुशी सी होती थी। उनकी विलेज लाइफ देखने को मिलती थी, उनकी स्टोरी देखी मैंने, उनकी लाइफ के ऊपर जो बेस थी, तो बहुत मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे। तो जैसे ही कल न्यूज़ देखी, तो बहुत दिल दुखा कि एकदम से ऐसे क्यों हो गया, वो क्यों चले गए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मस्ताना अम्मा, आई मिस यू सो मच। आप मेरी बहुत बहुत फेवरेट थे। आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आप बहुत स्वीट थे, आप प्योर हार्ट के थे। आप जहाँ भी गए हो हमेशा खुश रहना, और गॉड आपको, आपकी आत्मा को शांति दे।